आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां पीएससी एग्जाम में सिलेक्शन मामले पर भाजपा के आरोप को लेकर सीएम का एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर पीएससी के छात्र राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं तो ऐसे में उनकी योग्यता पर सवाल उठना दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा के बच्चों को टिकट देना उनकी योग्यता कहलाती है। साथ ही अगर चयन में गड़बड़ी है तो उसकी जाँच भी कराई जाएगी। हाँ, तो ये है, इसीलिए मैं तो आम जनता जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं, और तो कुछ हमारे पत्रकार साथी उसके परिवार के लोग, कोई नहीं जानता भाई बीमारी किसको आएगी, कितनी बड़ी बीमारी होगी, कितना पैसा लगेगा, कोई बचा कर रखता है क्या। तो ऐसे समय में ये जो योजना है वो लोगों के लिए बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो इलाज के दस्तावेज हैं उसके जो खर्चा की एस्टिमेट है वो दे दें, परीक्षण करा के हम लोग तत्काल फिर हॉस्पिटल को राशि मुहैया करा देते, जिसमें 18 से 19 लाख तक के हम लोग मदद किए हैं, अधिकतम 20 लाख तक के करते हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां डीएम विजय दयाराम ने अधिक से अधिक किसानों को मिलेट मिशन से जोड़कर जिले में कोदो कुटकी और रागी की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया है। बताया जा रहा है कि जिला कार्यालय में आयोजित समय सीमा बैठक में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि कम पानी के उपयोग से पैदा होने के साथ ही लघु धान्य फसलें पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है और अपने विशेष गुणों के कारण इसकी मांगों में लगातार वृद्धि भी देखी जा रही है और ये किसानों की आमदनी तेजी से बढ़ाने में सहायक भी कहीं ना कहीं साबित हो सकती है। तो वहीं जगदलपुर में कलेक्टर विजय दयाराम कानून और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के संबंध में राजस्व और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिखाई दिए, जहां जिला कार्यालय के आस्था सभाकक्ष में आयोजित बैठक में राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर ने कहा कि मैदान स्तर पर तैनात सभी अधिकारियों को आपस में संवाद, जानकारी का आदान प्रदान भी करते रहना चाहिए। खबर अंबिकापुर से है, जहां स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबिकापुर जनपद कार्यालय के सभा कक्ष में सरगुजा जिले के मितानिनों द्वारा ये आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मितानिनों के कार्यक्रम में शामिल होकर उनकी समस्याओं को सुना। वही मंत्री ने कहा कि मितानियों को जो भी मांगे और उनकी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए उनके पास भवन नहीं होने पर खाद्य मंत्री ने कहा कि नए भवन बनाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। आज स्वस्थ पंचायत सम्मेलन मितानियों के द्वारा अंबिकापुर ब्लॉक के यहाँ पर किए गए थे, उसमें आमंत्रित किए, उसमें आए थे, मितानी बहनों की समस्याओं को सुना, उन लोगों के साथ काफ़ी देर तक बैठा, उनके कामों के बारे में और उनका जो भी समस्या था उनके बारे में चर्चा हुई और उसके समाधान के लिए हम लोगों ने निर्देश भी विभाग को दिया। कोई भवन नहीं है अपने कुछ कार्यक्रम करने के लिए, उनकी भी मांग रखी गई। आज मितानी भवन बनाने की मैंने घोषणा की है और जल्दी मितानिन भवन की स्वीकृति हो जाएगी। तो वही सरायपाली में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आ चुका है, जहां पैसे के लालच में बेटे ने अपनी माँ बाप और दादी की निर्मम हत्या तक कर दी। बताया जा रहा है कि सिंगोड़ा थाना पुलिस ने जांच के लिए ग्राम पुटका में प्रभात भोई के घर पहुंची थी, जहां पुलिस को घर में एक जगह पर कुछ जले हुए अवशेष और हड्डियों के टुकड़े मिले थे और पुलिस ने शक के आधार पर प्रभात भोई के बड़े बेटे उदित भोई को अपने साथ थाने में ले जाकर पूछताछ की, जहां आरोपी उदित भोई ने पैसे के विवाद के चलते आवेश में आकर हत्या करने का अपना जुर्म कबूल कर लिया। बहरहाल पुलिस हत्या करने और हत्या कर लाश को जलाने के साथ साथ ही हत्या के कारणों का पता लगा रही है और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करने की भी बात अब कही जा रही है। तो
तो वहीं महासमुंद वन मंडल के पिथौरा वन परिक्षेत्र के भैसा मुंडा बांधा पिलवा पाली में वन्य प्राणी के शिकार मामले में 4 आरोपियों को वन विभाग के अमले ने गिरफ्तार किया है और एक आरोपी फरार होने में कामयाब भी हो गया है। जहां वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि भैसा मुंडा बांधा पिलवा पाली में कुछ लोग वन्य प्राणी का शिकार कर रहे हैं और सूचना के आधार पर वन अमले ने वहां पहुंचकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 15 मई को हुई शहर के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में चोरी की गुत्थी को सुलझाने के बाद पुलिस ने हर्षोल्लास के साथ चोरों का जुलूस निकाला है। बताया जा रहा है कि शहर के मुख्य मार्गों में हुई चोरी से पूरे शहर में डर का माहौल था, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 14 और 15 मई की दरमियानी रात जगदलपुर शहर के कुछ 4 दुकानों से कुछ कैश और 3 मोबाइल चोरों ने धावा बोलकर शटर काट के और गले से चोरी कर लिया था। इस पूरी घटना में लगभग 21,000 रुपये और 3 मोबाइल चोरी किए गए थे। घटना के तुरंत बाद इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए CSP जगदलपुर के नेतृत्व में टीम गठित किया गया था और जो सिटी सर्विलेंस के लिए जो कैमरे लगाए गए हैं उससे ट्रेस भी किया गया। ट्रेसिंग से ये पाया गया कि ये कांके ट्रेवल्स की बस से ये ट्रेवल कर रहे हैं और धमतरी के पास इनका उतरना पाया गया। वहाँ के साइबर सेल, हमारे साइबर सेल ने वहाँ पर घेराबंदी करके बस स्टैंड के पास से इनको गिरफ्तार किया और इनके पास से चोरी किया हुआ सामान और कैश लगभग 12,000 रुपये इनसे जब्त किया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के बस्तानार विकासखंड के बालक छात्रावास में जिम के नाम पर आई सामग्री को स्थानीय विधायक द्वारा हड़प लेने की जानकारी सामने आई है। सार्वजनिक होते ही मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और लोकसभा सचिव तरुणा साबे ने कहा कि एक चुने हुए विधायक जब अपने क्षेत्र में आने वाले सरकारी छात्रावास में सामग्री की चोरी कर रहे हैं तब अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की वास्तविकता का अंदाजा स्वयं भी लग सकता है। है बस्तर जिला के बास्तानार विकास खंड का, जहां पे बास्तानार छात्रावास में जीम के नाम से 5,00,000 रुपए की सामग्री आती है और वहां पे ये सुविधा, जीम की जो सुविधा है उसकी सामग्री छात्रावास के बच्चों को ना मिलके वहां के विधायक महोदय राजमन बेंजामिन के घर पे भेज दिया जाता है। खबर जगदलपुर से है, जहां गांव धर्मपुरा के ग्रामीणों ने भूमि बंदोबस्त रिकॉर्ड करवाने की प्रक्रिया के लिए कलेक्टर विजय दयाराम को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि बीते कई सालों से बंदोबस्त भूमि का रिकॉर्ड नक्शा नहीं होने की वजह से कई गरीब परिवारों की भूमि और धार्मिक स्थल की जगह पर भू माफिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर नक्शा बिठाया जा रहा है। इस वजह से कई परिवारों की स्थिति को देखते हुए भू माफिया द्वारा डरा धमका कर बेघर किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पूरा धर्मपुरा में क्या हुआ है, पूरा धर्मपुरा का मूल नक्शा जो है पहले से वो नक्शा ही नहीं है और अभी जो पिछला जो हमारा पटवारी था, पटवारी मूल नक्शा को लेकर गायब हो गए हैं और पता नहीं कहाँ है, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे। तो बहुत उसके कारण से जितने भी जो जमीन दलाल लोग हैं, जमीन वाले वो दूसरे के जमीन में कब्जा कर रहे हैं, जबरन कब्जा करवा रहे हैं दादागिरी दबंगई के माध्यम से, जिसका हमें रिपोर्ट भी दर्ज करवा चुका है, कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज करवा चुके हैं कि जब दबंगई करवा के जो दादागिरी करवा रहे हैं। हम लोगों का मांग है पूरे गांववासी का कि पूरे गांव का बंदोबस्त हो, क्योंकि बंदोबस्त नहीं होने के कारण से पूरा गांव का इसका जमीन उसका जमीन पूरा इधर उधर हो रहा है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बिजली विभाग की लापरवाही से हाई वोल्टेज बिजली की चपेट में आने से ट्रैक्टर ड्राइवर और 5 ग्रामीण बाल बाल बचे हैं। बताया जा रहा है कि अचानक बिजली के तार टूटने के बाद 2 घंटे तक बिजली बंद नहीं हुई थी, जिससे दूर दूर तक बिजली की चिंगारी दौड़ती दिखाई दे रही थी, जिससे आम लोगों को जान का खतरा बना हुआ था। वहीं इस तरह की घटना ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में लुंड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बीच रास्ते में 2 स्कूटी सवार युवकों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर घर पर छोड़ने की बात कहकर स्कूटी पर बिठा लिया, जिसके बाद ही पास के जंगल में दोनों युवकों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वही पीड़िता ने परिजनों को अपनी आप बीती बताई और परिजनों ने पुलिस से पूरे मुकदमे में मामला दर्ज कराए हैं और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। लुंड्रा थाना अंतर्गत कल जो है प्रार्थिया के पिता के द्वारा एक शिकायत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया था कि जो पीड़िता है वह पास में मेले में कहीं गई थी, वहाँ से वापस आ रही थी, तो इसका अकेले वापस आ रही थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए 2 युवकों ने उसको उठाकर उसके साथ गलत काम 376 किया है, जिसके आधार पर IPC की धारा 376 और पास्को एक्ट साथ ही 363-366 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले में दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया गया। प्रदेश के खाद्य मंत्री सरगुजा दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र राज्य मंत्री को योजनाओं की जानकारी तक नहीं है और उन्होंने आगे कहा कि रायपुर को छोड़कर दूसरे नंबर में अंबिकापुर का एयरपोर्ट है। तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा और इससे रोजगार भी बढ़ेगा हमारे सरगुजा के लोगों को, इसका बहुत विशेष लाभ होगा। मुझे बहुत दुख है कि भारत राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और टीएस बाबा जो आज मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि रेणुका जी 46 करोड़ की राशि राज्य सरकार की है, मैंने कहा कि भाई साहब आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो एयरपोर्ट ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है और भारत सरकार ने 90 करोड़ रुपए की राशि दी है, आपने भी स्टेटमेंट दिया था, आपके मुख्यमंत्री ने भी दिया था और जब जब आप लोग आते हैं तो ये हमारी स्कीम को और हमारी राशि को आप लोग अपना बताते हैं। देखिए मैं टीएस बाबा के लिए कहूँगी कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाया तो पंचायत जैसे विभाग को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने 2018 के चुनाव में ढेर सारी घोषणाएँ की थी, तो ये तो सब झूठ बोलते हैं जनता के सामने और मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता के सामने इन्होंने झूठ बोला है और ऐसे झूठे व्यक्ति को इस क्षेत्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सांसद दीपक बैज एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वयक और निगरानी समिति दिशा के साथ संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं जिला प्रशासन बीजापुर और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर सबक में शिक्षकों से रूबरू भी हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।